हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, गूगल ट्रांसलेटर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसकी हेल्प से हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आज हम अपना खुद का लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग MIT ऐप इन्वेंटर। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये ऐप कितनी एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट लैंग्वेज का एक ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलेंगी, जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं क्लिक कर लेती हूँ फ्रेंच पर। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी स्पीक बटन पर, और आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसका ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर लिख कर भी मिल जाएगा इस पिंक बॉक्स में। साथ ही में ये ऐप आपको ट्रांसलेशन बोल कर भी बताएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कमेंट एट एस व्यू। तो हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन मिल गया है। तो आप ऐसे ही कोई सी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर हिंदी को एक बार। अब उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे ब्लू ब्लू बॉक्स में और यहाँ पर पिंक बॉक्स में ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपको इसे क्लियर करना है पहले, अपने दूसरे ट्रांसलेशन से पहले, तो यहाँ पर एक क्लियर बटन है जिसकी हेल्प से आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो मैं यहाँ अभी इसे क्लियर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अगेन स्पीक बटन पर क्लिक करूँगी। कैसे हैं आप? इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो चलिए अभी क्लियर बटन पर दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक और बटन विजिबल है, गेट ट्रांसलेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप बोलकर अपने ट्रांसलेट ना करा पाएँ, आप चाहते हैं कि मैं कुछ टाइप करूँ और उसके बाद मुझे ट्रांसलेशन मिल जाए, तो इस ब्लू बॉक्स में आप जो भी सेंटेंस चाहते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो आप वो सेंटेंस यहाँ पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट ट्रांसलेशन वाले बटन पर, कैसे हैं आप? तो आपको फिर भी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो आप बोलकर ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, टाइप करके ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है यहाँ पर। और क्लियर बटन से आप इस टेक्स्ट को वापस से क्लियर कर सकते हैं। तो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और इसका कोडिंग पार्ट और इसका डिज़ाइनिंग पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, जो कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस ऐप को हम कैसे फटाफट से क्रिएट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी अपने प्रोजेक्ट ऑप्शन पर, उसके बाद मैं क्लिक करूँगी स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर। उसके बाद यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद मुझे क्लिक करना है ओके बटन पर। अब हमारे सामने ये ब्लैंक स्क्रीन विजिबल हो गई है, जहाँ पर हम अपने ऐप की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है कि हम MIT ऐप इन्वेंटर में अपने ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। साथ ही में ऊपर आई बटन में भी आप उसके लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन वन की प्रॉपर्टीज के साथ। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगी स्क्रीन वन, और उसकी प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी चेंज करूंगी, उसके बैकग्राउंड कलर को मैं पिंक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर टाइटल को मैं चेंज करके लिख दूंगी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना प्लेस करेंगे अपना लेआउट। सो सबसे पहला लेआउट है हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट, तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगी अपना वर्टिकल अरेंजमेंट अपने लेआउट सेक्शन में जाकर। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर नन करेंगे, हाइट ऑफ विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगी फिल पैरेंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर प्लेस करना है एक स्पिनर कंपोनेंट, जिसके लिए हमें जाना है यूजर इंटरफेस सेक्शन में, और यहाँ से मैं चूज कर लूंगी अपना स्पिनर कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम स्पिनर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, मैं विड्थ कर लूंगी इसकी फिल पैरेंट। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ लैंग्वेजेस के नेम, जैसे कि आपने मेरे ऐप में देखे थे, तो वो सारे नेम्स आपको यहाँ पर टाइप करने हैं एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप करूंगी सेलेक्ट लैंग्वेज। मैं इसलिए टाइप कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं ऐप ओपन करेंगे तो ये सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर विजिबल होगा। फिर जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिख रहे हैं, आपको उन सब में कॉमा लगाकर उन एलिमेंट्स को टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ फ्रेंच। तो आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, आप कॉमा लगाकर अपनी सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मीन्स जो भी आप अपने ऐप में यूज कर रहे हैं। अब मैंने अपनी लैंग्वेजेस टाइप कर दी है जो जो मैं अपने ऐप में यूज कर रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट इंटरफेस पे। हमारा नेक्स्ट इंटरफेस होगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो मैं लेआउट सेक्शन में जाके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चूज कर लूंगी। इसकी प्रॉपर्टीज हम कर देंगे बैकग्राउंड कलर नन, हाइट को मैं ऑटोमेटिक रहने देती हूँ, उसकी विड्थ को मैं कर लूंगी फिल पैरेंट। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है यूजर इंटरफेस सेक्शन में, और हमें यहाँ पर तीन बटन्स प्लेस करने हैं। तो मैं अपना पहला बटन प्लेस कर लूंगी, इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर लूंगी फॉन्ट बोल्ड इटैलिक्स, एंड इसका टाइप होगा सिर्फ, और इसकी विड्थ मैं रख दूंगी यहाँ पर फिल पैरेंट। उसके बाद अपने टेक्स्ट के नेम को चेंज कर दूंगी, और हमारा टेक्स्ट का जो नेम था हमारे पहले
बटन का नाम था स्पीक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पीक। अब मुझे यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को भी नन कर देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे दो बटन और प्लेस करना है सेम इसी तरीके से। तो मैं क्या करूंगी, अब इसी बटन को कॉपी और पेस्ट करके यूज कर लूंगी। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी इसी बटन को और पेस्ट कर लूंगी। मुझे एक और बार एक और बटन चाहिए, तो मैं एक और बार इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूंगी। हमारे तीनों बटन सब क्रिएट हो चुके हैं विद सेम प्रॉपर्टीज। मुझे अब सिर्फ क्या करना है, अपने बटन को क्लिक करना है और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है। मीन सिर्फ इसके नाम को हमें यहाँ पर चेंज करना है। हमारा नेक्स्ट बटन का नेम है गेट ट्रांसलेशन और हमारा लास्ट बटन का नेम है फ्रेंड्स क्लियर बटन। तो मैं यहाँ लिख दूंगी क्लियर। चलिए, तो अभी हमारा ये कॉम्पोनेंट प्लेस हो चुके हैं। अब हमें प्लेस करना है एक टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगी एक टेक्स्ट बॉक्स और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। अब टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर चेंज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगी सियान कलर। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम कलर चाहिए तो आप क्लिक कर लीजिए कस्टम ऑप्शन पे। सबसे पहले आपको चूज करना होगा जिस कलर का आपको कस्टम कलर चाहिए। मैं यहाँ पर कस्टम पे जाऊंगी और यहाँ से जो भी कलर मुझे चूज करना है अपने बैकग्राउंड का, मैं उसको चूज कर लूंगी और मैं कर दूंगी डन। के बाद हम यहाँ पर कर लेंगे फोन को इटैलिक। फोन के साइज को मैं यहाँ पर 20 कर लूंगी। उसके बाद फोन के स्टाइल को मैं सिर्फ कर लूंगी। साथ ही में इसकी हाइट को मुझे यहाँ पर रखना है फ्रेंड्स 40%। इसकी विड्थ को मुझे यहाँ पर रखना है फिल पैरेंट इस तरीके से। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे हिंट। हिंट में मीन्स जब भी आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया है तो क्या टेक्स्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड। मीन्स जो टेक्स्ट आपका ट्रांसलेट होना है वो टेक्स्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर जाना है अपने नेक्स्ट कॉम्पोनेंट में। अब हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट होगा अगेन अ वर्टिकल अरेंजमेंट। मैं जाऊंगी लेआउट सेक्शन में और यहाँ से चूज कर लूंगी एक वर्टिकल अरेंजमेंट। उसके बाद इस वर्टिकल अरेंजमेंट की प्रॉपर्टीज हम यहाँ चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर कर दूंगी नन। उसके बाद इसकी हाइट को मैं यहाँ पर रखूंगी फ्रेंड्स फिल पैरेंट और इसकी विड्थ को भी मैं यहाँ पर फिल पैरेंट कर दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर प्लेस करना है एक लेबल अपने वर्टिकल अरेंजमेंट पे। तो यूजर इंटरफेस में जाकर हम एक लेबल को चूज कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चूज करेंगे अपने लेबल की प्रॉपर्टीज को। फॉन्ट इटैलिक, फॉन्ट का साइज मैं अगेन 20 कर लेती हूँ। फॉन्ट के स्टाइल को मैं सिर्फ करूंगी और इसकी हाइट और विड्थ को मैं यहाँ पर कर दूंगी फिल पैरेंट। अब जो टेक्स्ट यहाँ पर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं जब तक, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं चाहती हूँ गेट योर ट्रांसलेशन हेयर। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करा दिया है ग्रेट योर ट्रांसलेशन हेयर। जो भी आपका ट्रांसलेशन वाला जो आप ट्रांसलेट होके आपको मिलेगा वो आपको यहाँ इस लेबल में मिल जाएगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स, अब हमारे बचते हैं तीन और कॉम्पोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। फर्स्ट हम जाएंगे अपने मीडिया सेक्शन में और मीडिया सेक्शन में आप सबसे पहले यहाँ पर चूज करेंगे इंडेक्स ट्रांसलेट जो कि हमारा ट्रांसलेटर कंपोनेंट है जिससे हमारा जो ट्रांसलेट होएगा लैंग्वेज। सेकंड कंपोनेंट है स्पीच रिकॉग्नाइजर क्योंकि हम बोलकर अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवा रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होगा टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट। तो चलिए अब हमारे सारे कंपोनेंट प्लेस हो चुके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने ऐप की कोडिंग कर लेते हैं और कोडिंग करने के लिए हमें जाना होगा अपने ब्लॉक सेक्शन में। तो मैं क्लिक कर लूंगी ब्लॉक्स ऑप्शन पे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने स्पिनर की कोडिंग के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी, एक ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगी और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगी लैंग्वेज। और यहाँ पर मैं इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कॉल कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो लैंग्वेज चूज की है, जो भी हम लैंग्वेज चूज करेंगे अपने स्पिनर कंपोनेंट से, वो लैंग्वेज हमारे ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर कॉल कर लेंगे अपने स्पिनर कंपोनेंट को। मीन्स जब भी मैं सेलेक्ट कर लूंगी अपनी कोई भी लैंग्वेज तो क्या होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को चूज किया तो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो हमारी इस वाले लैंग्वेज के अंदर, हमारे इस वाले ग्लोबल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉल कर लूंगी अपने मैथ ब्लॉक में से एक कंडीशनल ब्लॉक को। तो सबसे पहले मैं कॉल कर लूंगी कंट्रोल ब्लॉक सॉरी। तो यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगी इफ देन एल्स ब्लॉक को और यहाँ हम एक कंडीशन लेंगे कि जो मैंने सेलेक्ट किया है अगर वो फ्रेंच है तो मैं यहाँ से कॉल कर लूंगी अगेन ये। अगर मैंने जो सेलेक्ट किया है वो कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, तो क्या कॉल हो जाना चाहिए, जो हमारे क्या होना चाहिए, हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर सेट हो जानी चाहिए कौन सी वैल्यू, फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच, क्योंकि हम उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश टू फ्रेंच। अब उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए कोड होते हैं फ्रेंड्स, हर लैंग्वेज का एक कोड होता है। अब ये कोड मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से सारे कोड्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे करना है इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्ट, तो उसके लिए होता है इंग्लिश के लिए होता है EN, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगी FR, FR हमारा कोड होता है फ्रेंच के लिए। उसके बाद मैं चाहती हूँ else if, तो हम यहाँ पर लेंगे else if, तो मैं यहाँ से एक ब्लॉक को else if वाले ब्लॉक को यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ इधर से। उसके बाद एक और कंडीशन हम देंगे और हमारी कंडीशन होगी अगेन सेम
मैं यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। ऐसे अगर मैंने सेलेक्ट किया है स्पैनिश तो मैं यहाँ लिख दूंगी स्पैनिश, तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाना चाहिए, इंग्लिश टू स्पैनिश। और यहाँ से इंग्लिश टू स्पैनिश का कोड मैं यहाँ लिख दूंगी EN टू स्पैनिश, हमारा स्पेनिश का कोड होता है फ्रेंड ES। अब मैं यहाँ पर अगर दूसरी लैंग्वेज और भी हमारी लैंग्वेज है अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ से और एक ELSIF मुझे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से और एक ELSIF ऐड कर लूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने अगर बंगला सेलेक्ट किया है, बंगला लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बंगला। उसके बाद हमारे ग्लोबल वेरिएबल में ये लैंग्वेज स्टोर हो जानी चाहिए अगर मैंने बंगला लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है तो, और बंगला लैंग्वेज के लिए हमें क्या कोड मिलेगा BN। और अब हमारी अगर इनमें से मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली लास्ट हमारी एक लैंग्वेज बच रही है वो हमारी सेट हो जानी चाहिए ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, वो कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ELSIF की जरूरत नहीं पड़ेगी कंडीशन ब्लॉक की, तो यहाँ से मैं कर दूंगी इंग्लिश टू हिंदी, और हिंदी के लिए कोड होता है HI। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सिलेक्शन वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, जब मैं अपने स्पीक वाले बटन पे क्लिक करूँ, स्पीक वाला बटन है हमारा बटन 1, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो जो मेरा स्पीच रिकॉग्नाइजर है वो कॉल हो जाए, क्योंकि हमें बोल कर बताना है, तो मुझे कॉल कर लेना है यहाँ पर अपने स्पीच रिकॉग्नाइजर को इस तरीके से। अब जब मेरा स्पीच रिकॉग्नाइजर है वो टेक्स्ट को ले लेगा तो क्या करना चाहिए, मींस आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट, जब स्पीच रिकॉग्नाइजर को टेक्स्ट मिल जाएगा तो वो क्या करे, वो किसको कॉल करे, वो यंडेक्स ट्रांसलेट को, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करनी है हमारी लैंग्वेज को, तो इसको कॉल करे लैंग्वेज टू ट्रांसलेट। कौन सी लैंग्वेज ट्रांसलेट करिए, जो ग्लोबल लैंग्वेज में स्टोर हुई है सेलेक्ट करने के बाद, तो जो भी लैंग्वेज इसमें स्टोर हुई होगी तो उसको वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। अगर मैंने फ्रेंच सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आ गया इंग्लिश टू फ्रेंच, और कौन सी लैंग्वेज को किसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो जो मैंने बोला है, तो मैंने क्या कहा, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट रिजल्ट, इसका जो भी रिजल्ट होगा मीन्स जो भी मैंने बोला होगा वो इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होना चाहिए, जब इसको ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे कॉल करना है यंडेक्स ट्रांसलेटर गॉट ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो किसको कॉल करना है, टेक्स्ट टू स्पीच को सबसे पहले यहाँ कॉल कर लेना है इस तरीके से, और वो हमें बोल के बता दे जो भी ट्रांसलेशन हुआ है हमारा, तो हमें वो बोलकर क्या बताएगा, क्या ट्रांसलेट हुआ है, तो हम यहाँ से ले लेंगे ट्रांसलेशन, ये हमें बोलकर बताए। साथ ही में मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा लेबल है वहां पर वो ट्रांसलेशन मुझे दिख जानी चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉल कर लूंगी लेबल को सेट लेबल डॉट टेक्स्ट टू, और यहाँ पर हमें क्या विजिबल होना चाहिए, जो भी ट्रांसलेशन हुआ है, तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ से कॉल कर लेंगे गेट ट्रांसलेशन को। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हमने क्यों यूज किया है, तो जो भी मैं यहाँ पर कर लूंगी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट को पहले मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, जिसको हम ट्रांसलेट कराना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ड तो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो और साथ में लेबल में उसका ट्रांसलेशन डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगी इसको, क्योंकि यही चीज हमने बोली है तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगी, जो हमने बोला है वो हमने टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा दिया है और जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको हमने लेबल में डिस्प्ले करा दिया है। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आते हैं अपने बटन 3 पे, मींस गेट ट्रांसलेशन पे। इस वाले बटन से मैंने आपको ये दिखाया था कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप करके, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ मैं टाइप कर रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, तो भी हमें ट्रांसलेशन मिल जाए। तो यहाँ पर बटन 2 की कोडिंग होगी, तो मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँ बटन 2 पर, वेन बटन 2 डॉट क्लिक, तो क्या होना चाहिए, अगेन हमारा जो यंडेक्स ट्रांसलेटर है फिर से कॉल हो जाए, ओके कॉल हो जाए, और यहाँ पर जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 में टाइप किया है, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी वाली आनी चाहिए, सेम लैंग्वेज, ठीक है, इस वाली लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज हमने पहले सेलेक्ट कर ली है, किस लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना है, तो लैंग्वेज टू ट्रांसलेट में तो यही आएगा, और किसको ट्रांसलेट करना है, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है अगर हम टाइप कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो मैं यहाँ से कॉल कर लूंगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पर यूज कर लूंगी, इसमें मैंने जो टाइप किया है वो ट्रांसलेट हो जाए, और उसके बाद ट्रांसलेट होने के बाद वो यही वाला दोबारा से कॉल हो जाएगा हमारा गॉट ट्रांसलेशन वाला, और वो दोबारा से हमें बोलकर भी बताएगा और हमारे टेक्स्ट बॉक्स में हमें वो, हमें लेबल में वो हमें डिस्प्ले भी करा देगा वही चीज जो कि हमने पहले बोलकर काम किया था। अब हमारी बचती है बटन 3 की कोडिंग, बटन 3 से क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी हमारे लेबल में आया टेक्स्ट बॉक्स में आया वो क्लियर हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे अगेन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसके आगे मैं जोड़ दूंगी एक ब्लैंक स्ट्रिंग ब्लॉक, मीन्स वो ब्लैंक हो जाए,
जब मैं इस पर क्लिक करूं और मैं दोबारा से लेबल के लिए भी वही चाहती हूं तो मैं कॉल कर लूंगी या लेबल डॉट टेक्स्ट, और मैं चाहती हूं ये भी ब्लैंक हमें हो, और मैं यहां से क्लिक कर दूंगी कॉपी इसको पेस्ट। अब मैं यहां पर चाहती हूं कि ब्लैंक ना हो, मैं चाहती हूं दोबारा से मुझे वही टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए, गेट योर ट्रांसलेशन हेयर, जो कि हमको स्टार्टिंग में विजिबल हुआ था। तो मैं यहां लिख दूंगी गेट योर ट्रांसलेशन हेयर इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये इतनी ही इसकी कोडिंग थी और बहुत सिंपल कोडिंग थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब बस एक लास्ट में स्टेप आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन वन पर जाकर जब मैं बैक बटन प्रेस करूं तो जो भी मेरा एप्लीकेशन है वो क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो मैं कॉल कर लूंगी यहाँ पर क्लोज एप्लीकेशन। बस ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये कोडिंग और ये डिजाइनिंग क्लियर हो गई होगी। डिजाइनिंग फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते, और अपने कमेंट्स के साथ मुझे जरूर शेयर करिए कि ये आपको कैसा लगा ये ऐप। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नए ऐप के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट से मिलता रहे। चलिए, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।